अनपेड सेलर क्या राइट right यूज कर सकता है जब उसने अपनी तरफ से गुड्स को ट्रांजिट के लिए दे दिया है लेकिन स्टिल उसकी पेमेंट बायर की तरफ से नहीं आई है राइट ऑफ लेन तो हमने डिस्कस कर लिया जिसमें यह था कि अभी भी गुड्स सेलर के पोजेशन में है और बायर ने अभी तक पेमेंट नहीं करी तो वो राइट ऑफ लेन को एक्सरसाइज करेगा लेकिन क्या हो कि गुड्स अभी सेलर के से भी बाहर हो जाए मतलब कि वो गुड्स को ट्रांसफर कर दे या फिर डिलीवरी के लिए ट्रांसपोर्टेशन या करियर में भेज दे उसके बाद उसे पता लगे कि उसका प्राइस या जो बायर है वो पे नहीं कर रहा है क्या उसमें भी वो कोई राइट एक्सरसाइज कर सकता है दैट वी विल डिस्कस इन टूडे सेशन सो हेलो एवरीवान वेलकम टू द सेल ऑफ गुड्स एक्ट नाइनटीन थर्टी एंड हेयर टूडे ट इज द राइट अवेलेबल टू द अनपेड सेलर जब वो गुड्स को ट्रांसमिट या ट्रांसफर के लिए दे दे दैट इज राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांट क्या ये राइट कब सेलर एक्सरसाइज करता है और क्या ये राइट हर अनपेड सेलर के पास अवेलेबल है वी विल डिस्कस इन सेक्शन फिफ्टी टू फिफ्टी टू टूडे देखिए सबसे पहले समझना है कि स्टॉपेज इन ट्रांसिट क्या होता है राइट right? जब गुड्स डिलीवर कर दिए जाते हैं थ्रू एनी करियर या किसी बेली के लिए फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर मींस उसको बायर तक पहुंचाया जाए सपोज कीजिए ये सेलर है और ये बायर है सेलर ने अपने वेयर हाउस से गुड्स को लोड कर दिया है एक ट्रक में और ये ट्रक अभी जा रहा है बी के प्लेस पर पहुंचने के लिए तो सपोज कीजिए इस ट्रक की डिलीवरी हो चुकी है और ट्रक अभी इस प्लेस पर है

सेलर स्टॉप द गुड्स एज लॉन्ग एज दे आर इन ट्रांजिट जब तक कि वो ट्रांजिट में है सफर में है गुड्स अभी तक चल रहे हैं रास्ते में है तब तक अनपेड सेलर के पास राइट है कि वो गुड्स को स्टॉप कर सकता है ही ही स्टॉप द गुड्स इन द ट्रांजिट समझ में आया बच्चे सो द कंडीशन क्या होनी चाहिए वो हमें सेक्शन फिफ्टी में गिवन है ध्यान से सुनिएगा बच्चे। uh, जो seller होना चाहिए वो अनपेड होना चाहिए अगर उसको फुल प्राइस मिल चुका है तब वो कोई भी ऐसी कंडीशन हो तभी भी वो ट्रांजिट uh, वाले गुड्स को रोक नहीं सकता है बीच में गुड्स को रोकना फिर उसके पास ये राइट अवेलेबल नहीं है इट इज अवेलेबल ओनली इन केस ही इज अनपेड नेक्स्ट थिंग इज बायर शुड हैव बिकम इंसॉल्वेंट सेलर को नॉलेज होनी चाहिए या सेलर को ये पता लग चुका है कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया अगर सेलर को ये नॉलेज नहीं है तब तक वो गुड स्टॉप नहीं करेगा बेशक बायर इंसॉल्वेंट हो गया ना हो गया वो सेलर को नॉलेज होना जरूरी है देन द प्रॉपर्टी मीन्स जो ये गुड्स है इनकी ओनरशिप शुड हैव पास्ड टू द बायर बायर को ओनरशिप ऑलरेडी मिल चुकी है मतलब कि गुड ए की पोजीशन से बी की पोजीशन में जा चुके हैं पोजेशन इन द सेंस ए हैज गिवन द ओनरशिप टू बी कि अब से ये गुड्स आपके हैं ठीक है ये जो गुड्स जा रहे हैं इनका ओनर अब कौन है बी है राइट देन द नेक्स्ट थिंग द गुड्स शुड बी इन कोर्स ऑफ ट्रांजिट गुड्स जो होने चाहिए वो ट्रांजिट ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ही होने चाहिए वो चलते सफर में होने चाहिए ये ना हो कि वो गुड्स आकर बी को ओवर कर दिए हैं बी ने ले लिया और तब आप स्टॉप कर रहे हैं ट्रांजिट नो दैट गुड्स मस्ट बी इन द ट्रांजिट ट्रांजिट ये नहीं है कि वो वो चल ही रहे हैं बच्चे अगर वो बी के इस पोजीशन तक भी हैं कि बी अभी लेने नहीं आया लेकिन वो उस प्लेस पर ट्रक पहुंच चुका है तभी भी सेलर ये एक्सरसाइज जो ये राइट जो है एक्सरसाइज कर सकता है टिल द टाइम बायर ने उन गुड्स को एक्नोलेज ना किया हो ओके सो दीज आर द फ्यू कंडीशन And now we will see कि कब seller का जो सफर होता है वो स्टार्ट होता है गुड्स का एंड कब हम ये मान के चलते हैं कि ट्रांजिट अब खत्म हो चुकी है और इसके बाद जो सेलर है केस में नो no राइट right. और स्टार्टिंग के केस से और यहां तक एंड से पहले देर इज दिस राइट इज अवेलेबल राइट टू स्टॉपेज

ट्रांसमिशन में ही है चल ही रहे हैं कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन दैट इज ट्रांजिट तब खत्म होता है जब गुड्स डिलीवर्ड हो जाते हैं बायर को या कोई उसका एजेंट खड़ा है उसको सो दे मस्ट चल रहे हैं तब तक ही राइट अवेलेबल है जैसे बायर ने उन डिलीवरी को ले लिया डिलीवरी को एक्सेप्ट कर लिया तब ये ट्रांजिट खत्म हो जाती है ओके वन केस वाज योर जीआईपी रेलवे कंपनी वर्सेस हनमन दस That was, इसमें क्या था सेल, सेलर ने बचे गुड्स को कंसाइंड किया विद रेलवे कंपनी किस लिए फॉर द ट्रांसमिशन टू द बायर बायर को गुड्स अब क्या होता है जैसे ही डेस्टिनेशन पर गुड्स पहुंचते हैं कंपनी उनको डिलीवर कर देती है टू द बायर बायर को दे देती है और अब बायर ने भी वो सामान लेकर अपना वो खुद का एक कार्ट लेकर आया हुआ था उस कार्ट में लोड करना स्टार्ट करता है मतलब जो सेलर ने वो भेजे थे कंपनी के साथ जिस डील थी उनकी गाड़ी से निकाल कर वो अपनी कार्ट में रखता है बट द कार हैड नॉट येट लेफ्ट द रेलवे कंपाउंड अभी वो कार्ट जो है वो अभी रेलवे स्टेशन पर ही खड़ी है मतलब इन द एरिया ऑफ रेलवे स्टेशन ही है लेकिन उसने सामान अपनी कार्ट में रख लिया है ठीक है अभी वो वहीं पर वहां से निकला नहीं है लेकिन क्या होता है तुरंत जैसे ही उसने अभी कार्ट में रखा है तब रेलवे कंपनी को एक टेलीग्राम मिलता है और टेलीग्राम में लिखा होता है क्या दैट टू स्टॉप द गुड्स आप गुड्स को स्टॉप कीजिए तो अब बताइए क्या रेलवे कंपनी उसकी कार्ट को रोक सकती है

समझ में आया नेक्स्ट इज इंटरसेप्शन बाय बायर होता है ये जो जितनी भी चीज़ें मैं बता रही बच्चे, में में है। है के केस में क्या होता है? कि ट्रांजिट तभी भी खत्म हो जाता है जब बायर या उसका एजेंट डिलीवरी ले, ले लेते हैं फ्रॉम द करियर बिफोर द डेस्टिनेशन सपोज कीजिए आपकी डेस्टिनेशन थी ये यहां से एक के के गुड्स गुड्स मतलब सेलर के भी बायर की इस प्लेस तक आने थे बट बायर और एजेंट ने वो चलती गाड़ी के यहीं से ही सामान ले लिया कि यहीं पर हमें दे दीजिए तो ये नहीं माना जाएगा सेलर ये नहीं कहेगा कि नहीं इन्होंने तो पहले रास्ते से आके फिर ले लिए नहीं यहाँ पर जहां पर भी बायर और एजेंट को गुड्स मिले तभी वो गुड्स उनकी दायरे में आ जाएंगे और सेलर की तरफ से ट्रांजिट स्टॉप हो जाएगी और वो राइट right एक्सरसाइज नहीं कर सकता सो द ट्रांजिट एंड्स व्हेन द द बायर और एजेंट डिलीवरी ऑफ द गुड्स फ्रॉम द करियर बिफोर द अराइवल ऑफ द अपॉइंटेड डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन पर होना जरूरी नहीं है जहां पर भी जैसे भी बायर और एजेंट को गुड मिले तभी वो ट्रांजिट खत्म है द नेक्स्ट थिंग इज एक्नोलेजमेंट टू द बायर मीन्स गुड्स निकले हो या ना निकले हो लेकिन acknowledgement, मतलब acknowledgement का मतलब का है नोटिस बायर को नोटिस दे दिया गया है कि आपके गुड्स आ चुके हैं तो ये यहाँ पर मतलब माना जाएगा कि ट्रांजिट आपकी तरफ से खत्म है ठीक है द गुड्स जो है हैव अराइव्ड एट द अपॉइंटेड डेस्टिनेशन पर आ गए गुड्स एंड करियर ने फोन करके या कैसे भी नोटिस के थ्रू कोई लेटर मैसेज भेज के बायर को बोल दिया कि सर ये इस जगह पर हम आ चुके हैं अपने एजेंट को भेज दीजिए हमारा सामान ले ले एंड वो सैलर का ही है ट्रक में सामान अभी तक सेलर का ही रखा है लेकिन ट्रक वाले ने जैसे ही बायर को फोन करके बोल दिया कि हम आपका सामान लेकर यहाँ पहुंच चुके आइए अपना सामान लीजिए दिस इज दर इट कम्स टू एन एंड नाउ ट्रांजिट हेयर कम्स टू एन एंड सेलर जैसे ही एक्नोलिजमेंट बायर को मिली उसके बाद सेलर सपोज करिए फोन करके कहता है ट्रक वाले को कि सामान वहीं पर रोक दो तुम्हें देना नहीं है नो नाउ ही कैन नॉट एक्सरसाइज दिस बिकॉज दे हैव रीच टू द फाइनल डेस्टिनेशन दे हैव एक्नोलिज द बायर ऑल बच्चे कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट दैट इज रिजेक्शन बाय द बायर रिजेक्शन बाय बायर ये भी एक अच्छा केस था

राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट रहता है ऑल राइट right, बच्चे कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज डिलीवरी टू द शिप चार्टर्ड बाय द बायर ओके डिलीवरी टू शिप दैट इज चार्टर्ड बाय बायर की तरफ से शिप को चार्टर किया गया है इसमें बोला गया वेयर द गुड्स जो है डिलीवर कहा किए जाने हैं शिप में दैट इज चार्टर्ड बाय द बायर यहाँ पर अब क्वेश्चन उठता है दैट वेदर जो है वो करियर इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहा है या वो बायर का एजेंट है सो so, पर यह बोला गया दैट ट्रांजिट एंड एज सुन एज गुड्स आर लोडेड ऑन द बोर्ड फॉर द शिप जैसे ही गुड्स निकाल कर शिप के बोर्ड पर रख दिए जाएंगे तभी ट्रांजिट खत्म हो गई ओके नेक्स्ट इज गईफुल रिफ्यूजल टू डिलीवरी रॉन्गफुली रिफ्यूजल अगर आप कर देते हो डिलीवरी करने से रिफ्यूजल तो इस केस में क्या होता है वेन द करियर डिलीवर द गुड्स करियर मान लीजिए रॉन्गफुली कह देता है कि आपका सामान हम नहीं देंगे बायर को तो यहाँ पर भी ट्रांसिट क्या है एंड हो चुकी है अब सेलर boss, part delivery. Part delivery के के केस में क्या होता है बच्चे हर एक को अच्छे से समझते जाइए सारे एग्जाम में आपको लिखकर आने पार्ट डिलीवरी का मतलब लाइक वेयर द गुड्स पार्ट्स कुछ कुछ पार्ट्स में आप गुड्स को डिलीवर कर रहे हो तो सेलर क्या है यहाँ पर गुड्स को स्टॉप कर सकता है जो बाकी के गुड्स रह गए हैं आधे सपोज कीजिए जा चुके हैं बायर के पास आधे अभी भी रहते हैं तो क्या सेलर के पास ये राइट है कि जो रिमाइंडर गुड्स है उन पर राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज करने का यस ही है सपोज कीजिए हम ए और बी का ही लगा लेते हैं ए सेल्स टू बी हंड्रेड बेल्स ऑफ कॉटन ठीक है और जिसमें से सिक्सटी बेल्स जो है वो बी के पोजिशन में आ चुकी है बी ने ले ली है चालीस जो है वो अभी भी रास्ते में ही है कह देते ना दो ट्रक में तीन ट्रक में सामान आ रहा है तो सपोज कीजिए दो ट्रक का सामान बी ने ले लिया एक ट्रक अभी भी चल रहा है और अभी एक ट्रक जो चल रहा है उससे पहले सेलर को पता लग जाता है दैट बी बिकम इंसॉल्वेंट इंसॉल्वेंट हो गया सो कैन ए नाउ स्टॉप दिस गुड्स नाउ ए बीइंग स्टिल अनपेड ए अनपेड सैलरी है ना क्योंकि उसको भी सम पैसा तो नहीं मिला और सामान जो है वो ट्रांजिट में भी है सो so यस yes,

देखिए वेयर गुड्स जो है पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट के हिसाब से कई करियर uh, में सामान जा रहा है सो द ट्रांजिट कॉन्टिन्यूज अराइव एट देयर अल्टीमेट डेस्टिनेशन जब तक गुड्स सारे, सारे के सारे करियर के लास्ट पोजिशन तक नहीं पहुंच जाते डेस्टिनेशन तक तभी वो ट्रांजिट में ही रहते हैं और सैलर उनपे अपना राइट टू स्टॉपेज एक्सरसाइज कर सकता है

सो सच नोटिस गिवन टू द पर्सन जो कि एक्चुअल में है या फिर आप उसके मतलब कई बार ऐसा होता है ना ट्रक वाले जिससे आपने बात की है वो तो अपने ड्राइवर्स को भेजते हैं ना आप उनके मालिक को भी कह सकते हो कि आपका ऐसे ऐसे एक ट्रक गया है मेरा सामान लेकर बाहर की तरफ उसको स्टॉप कीजिए सो so, यहाँ पर क्या है दिस नोटिस शैल बी गिवन एट सच टाइम एंड इन सच सरकमस्टांसिस की प्रिंसिपल भी वो एक्सरसाइज कर सके राइट right? राइट बच्चे मतलब आपने सपोज कीजिए जो उनका मालिक उनको फोन करके बोल दिया अब मालिक वो एक्सरसाइज वो राइट कब एक्सरसाइज कर सकता है सपोज कीजिए उनका जो वो ड्राइवर कहता है सर मैं तो पहुंच गया तो यहाँ पर आपका कोई वो फॉल्ट नहीं है आपको वो फोन इस तरीके से या मैसेज इस तरीके से पहुंचाना है कि उनका मालिक भी एलिजिबल हो वो भी एबल हो स्टॉप करने के लिए ट्रांजिट को ओके okay, समझ में बच्चे? आप तो खुद से कर दीजिए वो ठीक है लेकिन अगर आपने किसी के थ्रू सामान पहुंचवा रहे हैं तो डायरेक्ट या तो आप डायरेक्ट ड्राइवर को ही कॉल कीजिए जो वो स्टॉप नहीं कर सकता तो आपका गुड स्टॉप नहीं होगा ओके एंड वेन द नोटिस ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज गिवन बाई से करियर और अदर बेली जो कि पोजेशन में है गुड्स के ही शेल द गुड्स टू द डायरेक्शन ऑफ द सेलर जो ये ट्रक वाले हैं जिनको ये बोल दिया जाता है सामान को स्टॉप कर दीजिए तो इनकी भी ड्यूटी बनती है कि सामान को वापस उसी जगह पर छोड़ गए जहां सेलर ने बोला है कि सामान को वापस उसी प्लेस पर छोड़ो जहां पर मैं कह रहा हूँ so, जो री की जाती है दोबारा से सामान वापस लाया जाता है इसके खर्चा कौन भुगतेगा ना उसी ने भेजा वही वो करेगा सो दीज आर दू थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड अबाउट दिस राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांसिट

के बाद आता है राइट ऑफ राइट ऑफ लेन आपका फर्स्ट राइट इज यू हैर दिंग्स जहां पर हम राइट टू स्टॉपेज को एक्सरसाइज कर सकते हैं एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस राइट टू वेरी वेल से राइट कब कब एक्सरसाइज कर सकता है और कब नहीं कर सकता एंड नाउ स्टेट फोर द नेक्स्ट सेशन जिसमें हम उसका नेक्स्ट राइट डिस्कस करेंगे री सेव टेन है गुड डे थैंक यू